हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेट्रॉनिक्स, जो कि एकेडमी ने अभी अनाउंस किया है कि आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो कि यूनिट वन के क्वेश्चन होंगे, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद फिर इसी तरीके से फिर मैं बाकी दूसरे यूनिट्स के भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपका गेट 2007 में आया था। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ स्टील रॉड ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी इज फिक्स्ड एट बोथ द साइड्स इज यूनिफॉर्मली हीटेड टू अ टेम्परेचर राइज ऑफ डेल्टा। ठीक है, ये एक रॉड है आपकी जो कि दोनों तरफ से फिक्स्ड है। आपके पास एक रॉड थी, ये रॉड दोनों तरफ से फिक्स्ड है। इस रॉड का हमने डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज किया है। कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इसका जो है, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसका अल्फा दिया हुआ है। कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये अल्फा है आपका। एल इसकी टोटल लेंथ है, डी इसका डायमीटर है। ठीक है, तो ये द यंग्स मॉडुलस इज ई एंड द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा। द थर्मल स्ट्रेस इन द रॉड इज, अब आपको बताना है कि इस रॉड में थर्मल स्ट्रेस कितना आएगा। ये रॉड थी हमारी, दोनों तरफ से फिक्स थी। इस रॉड का हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। इसका अल्फा जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, एल इसकी टोटल लेंथ है, डी इसका डायमीटर दिया हुआ है, सारी चीजें दे रखी हैं। अब आपको बताना है कि इसमें थर्मल स्ट्रेस कितना आएगा। ठीक, तो देखिए थर्मल स्ट्रेस निकालने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि थर्मल स्ट्रेन कितना होगा। ठीक है, अब थर्मल स्ट्रेन क्या होगा, चलिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ने की वजह से कितना चेंज इन लेंथ आएगा इस रॉड के अंदर। तो चेंज इन लेंथ जो होगा इस रॉड में, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल वो कितना होगा, ये हम लोग जानते हैं। चेंज इन लेंथ जो होती है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है एंड इनिशियल लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक हम लोग लगाते हैं अल्फ़ा, जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो चेंज इन लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स डेल्टा टी इंटू एल। ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ जो कि टेम्परेचर राइज की वजह से आएगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो इस रॉड में चेंज आएगा, जो लेंथ इंक्रीज होगी वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स ऑफ डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी इंटू ओरिजिनल लेंथ इनिशियल लेंथ एल। एल यहाँ पे क्या है, इनिशियल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ जो थी उसकी इनिशियल लेंथ एल है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं, तो जब दो ट्रैक्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो बीच में कुछ गैप दिया जाता है, तो उसका रीज़न क्या होता है, उसका भी रीज़न यही होता है कि गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो ट्रैक्स एक्सपेंड करते हैं, बढ़ती हैं, चेंज इन लेंथ होती है उसकी, तो वो फिर ट्रैक जो है गड़बड़ ना हो जाए, डिस्टॉर्ट ना हो जाए, डिफॉर्म टेढ़े मेढ़े ना हो जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ गैप दिए रहते हैं बीच में टू रेल्स, ताकि जब टेम्परेचर बढ़े गर्मी में तो उसका एक्सपेंशन जब हो तो फिर ट्रैक्स में कोई भी जो है डिस्टॉर्शन ना आए, ट्रैक जो है वो गड़बड़ ना हो। इस तरीके से सर्दियों में क्या होते हैं कि वो थोड़े कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, टेम्परेचर घटने की वजह से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसी वजह से जो है हम लोग जो दो रेलवे ट्रैक्स होती हैं, जब दो रेल्स होती हैं, जब उसको हम कनेक्ट करते हैं तो उसके बीच में कुछ हम लोग गैप दिए रहते हैं। ऐसे जैसे मान ली दो ट्रैक्स है तो जरा सा उसमें गैप होता है, कुछ 1 सेंटीमीटर का या फिर 5 mm का, 6-7 mm का जो गैप हमने दे रखा होता है, वो इसलिए दिया हुआ होता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से चेंज इन लेंथ होता है। लेंथ बढ़ती है ट्रैक्स की, तो जब अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाएगा और लेंथ में भी चेंज आएगा तो दोनों आपस में आके कनेक्ट कर जाएंगे, लेकिन ट्रैक्स में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा, इसीलिए जो है हम लोग उसमें इनिशियल कुछ गैप दिए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चेंज इन लेंथ निकाल लिया। चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा यहाँ पर, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी इंटू एल। अच्छा, अब थर्मल स्ट्रेन की बात करें, थर्मल स्ट्रेन कितना होगा यहां पे, तो थर्मल स्ट्रेन हो जाएगा आपका यहां पे चेंज इन लेंथ प्रिवेंटेड, क्योंकि ये जो है दोनों तरफ से फिक्स्ड है, इसका चेंज इन लेंथ तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे कितना प्रिवेंटेड होगा, चेंज इन लेंथ प्रिवेंटेड यही तो हो जाएगा। यही अगर ये फ्री होता, अगर यहाँ पे फिक्स नहीं होता, फ्री होता तो इतना लेंथ चेंज आता, इतना इधर मूव कर जाता, रॉड जो है वो एक्सपेंड कर जाता अगर यहाँ से फिक्स नहीं होता दोनों तरफ से, लेकिन ये दोनों तरफ से फिक्स्ड है तो इसमें इतना चेंज इन लेंथ नहीं होगा, ये प्रिवेंट कर जाएगा। तो चेंज इन लेंथ प्रिवेंटेड डिवाइडेड बाय द इनिशियल लेंथ, यही तो हो जाएगा आपका थर्मल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ प्रिवेंटेड अपॉन इनिशियल लेंथ। अच्छा, अब चेंज इन लेंथ प्रिवेंटेड कितना हुआ है हमारा, तो ये जो थर्मल स्ट्रेन है हमारा, थर्मल स्ट्रेन वो जाएगा चेंज इन लेंथ प्रिवेंटेड अल्फा डेल्टा टी इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो एल से एल कट जाएगा आपका, इनिशियल लेंथ से इनिशियल लेंथ कट जाएगा,
तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास थर्मल स्ट्रेन कितना आ जाएगा, इस रॉड में थर्मल स्ट्रेन आपका आएगा डेल्टा टी एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ये आ जाएगा आपका चेंज इन लेंथ इस रॉड के अंदर। चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा इस रॉड में, अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, सॉरी थर्मल स्ट्रेन हो जाएगा ये। अब हमको मालूम है कि थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस होता है आपका, थर्मल स्ट्रेस जिसको हम लोग सिग्मा टी कह सकते हैं, वो क्या होता है आपका यंग्स मॉडुलस ई, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन, ठीक। अब हम लोग थर्मल स्ट्रेन यहाँ निकाल चुके हैं, थर्मल स्ट्रेन हमारा कितना आया है, थर्मल स्ट्रेन तो हम लोग निकाल चुके हैं, वो कितना आया था हमारा अल्फ़ा डेल्टा टी, अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा हमारा थर्मल स्ट्रेस इस रॉड के अंदर, थर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा इस रॉड के अंदर, ई टाइम्स ऑफ अल्फ़ा डेल्टा टी, यही चीज़ हमको निकालनी थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ऑप्शन सी वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने क्या किया, चेंज इन लेंथ निकाल लिया, जो कि यहाँ पे प्रिवेंट हो जाएगा क्योंकि ये फिक्स रॉड है, अगर ये फिक्स नहीं होती तो इतना चेंज इन लेंथ आता, अपॉन इनिशियल लेंथ से हमने डिवाइड करके थर्मल स्ट्रेन निकाल लिया, ये हमारा थर्मल स्ट्रेन हो गया। हमको मालूम है कि स्ट्रेस कितना होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, तो थर्मल स्ट्रेस विल भी हो जाएगा ई टाइम्स ऑफ थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन हमको ये मालूम है अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, ठीक है, ई हमको तो पता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है ई, तो ये हो जाएगा थर्मल स्ट्रेस इस रॉड के अंदर। चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो कि समझने वाली है, याद रखने वाली है। देखिए अगर रॉड आपका फिक्स्ड नहीं है, जब रॉड फ्री है, फ्री टू एक्सपेंड, तो कोई रॉड में कोई भी थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा। जब रॉड आपका फ्री होता है, इस चीज़ को याद रख लिए, रॉड जब आपका फ्री है तो नो थर्मल स्ट्रेस। इस क्वेश्चन में जीरो कब हो जाता, ऑप्शन ए हमारा कब होता, जब यहाँ पे फिक्स्ड ना दिया रहता, यहाँ पे कह रखा होता कि वो फ्री है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर उसने कह दिया होता कि जो रॉड है आपका वो फ्री है एट द वन साइड या बोथ द साइड्स, अगर दोनों तरफ से एक साइड से फ्री है तो इसमें कोई भी थर्मल स्ट्रेस नहीं आता और ऑप्शन ए हो जाता ज़ीरो। लेकिन इसने कह रखा है कि दोनों तरफ से फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड होने की वजह से ऑप्शन ए ज़ीरो नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगा। अगर एक तरफ से भी फ्री हो जाए तो भी कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, यही आंसर होता फिर ज़ीरो। लेकिन ये रॉड दोनों तरफ से फिक्स्ड थी, जब दोनों तरफ से फिक्स्ड होगी तभी थर्मल स्ट्रेस आएगा, अगर फिक्स्ड नहीं है तो इसमें थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा, नो थर्मल स्ट्रेस। चेंज इन लेंथ होगा, अगर ये फिक्स नहीं है तो जाहिर सी बात है चेंज इन लेंथ होगा, लेंथ उसकी बढ़ेगी, लेकिन इसमें कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। थर्मल स्ट्रेस तभी आता है जब रॉड आपकी या बॉडी वो फिक्स्ड हो और आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, चेंज इन टेम्परेचर हो एंड द रॉड इज फिक्स्ड, तभी उसमें थर्मल स्ट्रेस आएगा, अदरवाइज उसमें कोई भी थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर रॉड फ्री टू एक्सपेंड है, अगर वो फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है, क्वेश्चन में यहां दिया रहता है कि रॉड इज एक्सपेंडिंग फ्रीली, या फ्री है एट द वन साइड या दोनों साइड से फ्री है, तो इसमें कोई भी थर्मल स्ट्रेस नहीं आता, ऑप्शन ए हो जाता जीरो, आंसर जीरो हो जाता। इसमें थर्मल स्ट्रेस कितना हो जाता, जीरो, जब रॉड जो है वो फिक्स्ड होती दोनों तरफ से या एक तरफ से तो वो रोटेट कर जा एक्सपेंड कर जाती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, देखिए द रेजिलियंस ऑफ अ स्टील कैन बी फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू, कह रहा है कि रेजिलियंस हम लोग कब निकालेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो किस पॉइंट तक इंटीग्रेट करें ताकि हमको रेजिलियंस मिल जाए, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना लेते हैं, वो समझ लेते हैं। देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता क्या है, मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पहले भी बताया है इससे पहले। तो आप देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या होता है, देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है आपका ये, ठीक ठीक ये है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक ठीक ये हो गया आपका सिग्मा, यहाँ पे स्ट्रेस, ये हो जाएगा स्ट्रेन, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा, ये हो जाएगा आपका स्ट्रेन, ठीक। अब जब आपका जो है ये होता है इलास्टिक पॉइंट, ये होता है इलास्टिक पॉइंट, ये होता है आपका फ्रैक्चर पॉइंट, है ना, यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है आपका। तो रेजिलियंस क्या होता है, ये होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया अप टू द इलास्टिक पॉइंट, अप टू द इलास्टिक लिमिट। और टफनेस क्या होता है, ये होता है एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। तो इस चीज़ का जो एरिया होगा, ये वाला एरिया जो होगा हमारा, ये वाला एरिया हो जाएगा आपका रेजिलियंस, और ये वाला एरिया हमारा पूरा ये हो जाएगा हमारा टफनेस, ये क्या हो जाएगा हमारा टफनेस, ये पूरा एरिया टफनेस हो जाएगा, और ये एरिया सिर्फ इतना एरिया दिस मच अप टू द इलास्टिक पॉइंट, ये हो जाएगा आपका रेजिलियंस।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को आप कहाँ तक इंटीग्रेट करो ताकि आपको रेजिलियंस मिल जाए। तो आपको कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, अप टू द इलास्टिक पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट तक नहीं इंटीग्रेट करना है। फ्रैक्चर पॉइंट तक आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको टफनेस मिलेगा, और आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को उसका एरिया निकालोगे, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक पॉइंट आपको रेजिलियंस देता है, और एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर पॉइंट आपको टफनेस देता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन क्या थे, अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट या इलास्टिक पॉइंट। तो आप इसको कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, इलास्टिक पॉइंट तक इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। अब रेजिलेंस समझ लेते हैं, रेजिलेंस क्या होता है, रेजिलेंस क्या चीज़ होता है, ये जो वो एनर्जी होती है जो मटेरियल स्टोर करती है या कोई भी बॉडी स्टोर करती है अप टू इलास्टिक पॉइंट। जब भी आपने किसी बॉडी पे जो है लोड लगाया, लोड लगाने की वजह से उसमें जो है कुछ ना कुछ स्ट्रेन आएगा, तो ये मटेरियल जब भी कोई भी मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट एनर्जी को जो स्टोर करती है उसी को हम लोग रेजिलियंस कहते हैं। इसमें कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है, लोड को आप हटा दो तो मटेरियल उस एनर्जी को रिलीज़ कर देगी। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेजिलियंस कहेंगे। द एनर्जी स्टोर्ड बाय द बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रेजिलियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स ई जी एन के। आपको बताना है कि क्या रिलेशन होता है ई जी एन के में, थ्री इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स ई जी एन के में क्या रिलेशन होता है। तो इस चीज़ को देखिए हम लोग समझ लेते हैं, ई जी एन के में हमको रिलेशन बताना था कि क्या होता है। देखिए ई जी एन के में हमारे पास ई क्या होता है, सबसे पहले ई होता है हमारे पास यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। जी होता है हमारे पास शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर मॉडुलस कह लीजिए इसको। के होता है हमारे पास बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। इन तीनों के आपको जो है डेरिवेशन में नहीं जाना है कि इसका रिलेशन कहाँ से आया। देखिए नंबर वन रिलेशन होता है E इज इक्वल टू होता है आपका 2g1+μ। म्यू यहाँ पे क्या है, म्यू है यहाँ पे आपका पॉइजन्स रेशो। नंबर टू रिलेशन जो होता है वो होता है आपका 3k1-2μ। और उसके बाद एक और रिलेशन होता है E इज इक्वल टू 9kg/3k+g। तो ये तीनों रिलेशंस आपको याद रखने हैं, E इज इक्वल टू 2g1+μ, E इज इक्वल टू 3k1-2μ, E इज इक्वल टू 9kg/3k+g। ये तीनों रिलेशंस आपको याद रखने हैं, क्या क्या रिलेशन है, E इज इक्वल टू 2g1+μ, E इज इक्वल टू 3k1-2μ, म्यू यहाँ पे क्या है पॉइजन्स रेशियो है, E इज इक्वल टू 9kg/3k+g। ये तीनों रिलेशंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। के यहाँ पे क्या है, बल्क मॉडुलस है। ई यहाँ पे शेयर मॉडुलस है। म्यू यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो है। ई यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अच्छा अब ये तीनों जो होते हैं ये होता क्या है, देखिए यंग्स मॉडुलस क्या होता है, ये होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस। जी क्या होता है आपका शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। और बल्क मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। अब बल्क मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, जब कोई भी बॉडी पे चारों तरफ से यूनिफॉर्मली प्रेशर पी लग रहा हो तो प्रेशर लगने की वजह से उस बॉडी पे क्या करता है, क्या लगता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगता है। तो जो प्रेशर होता है किसी भी बॉडी पे वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है। कोई भी एक बॉडी है, सर्कुलर बॉडी है, आपकी क्यूब है, उस पे चारों तरफ से जो है ना यूनिफॉर्म प्रेशर पी लग रहा है तो उस बॉडी पे क्या एक्ट करेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एक्ट करेगा जो कि प्रेशर पी के बराबर होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा कि उस प्रेशर पी लगने की वजह से वॉल्यूम में कितना चेंज आया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन ई हो जाता है, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन ई हो जाता है, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन आपका जी हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शेयर मॉडुलस कहते हैं या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। क्या होता है वो, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। शेयर किसी पे बॉडी पे आप शेयर फोर्स लगा रहे हो डिवाइडेड बाय द टेंजेंशियल एरिया, वो जिस एरिया पे शेयर फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय द शेयर स्ट्रेन कितना आया है, तो ये हो जाता है हमारा जी, जिसको हम लोग कहते हैं शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू हो जाता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, ठीक। के क्या है हमारा, बल्क मॉडुलस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये तीनों रिलेशंस में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ये तीनों रिलेशंस है, ये आपको याद रखना है। ई इज इक्वल टू 2g1+μ, ई इज इक्वल टू 3k1-2μ, म्यू क्या है यहाँ पे, पॉइजन्स रेशियो है। म्यू क्या है यहाँ पे, पॉइजन्स रेशियो है। अब पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, म्यू जो होता है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो, ये क्या होता है आपका, लैटरल
ठीक है, ई क्या होता है हमारा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, पॉइजन्स रेशियो है म्यू, यहाँ पे क्या है हमारा पॉइजन्स रेशियो है जो कि होता है हमारा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपकी रॉड है, इस रॉड पे आपने इधर से दोनों तरफ से लोड पी लगाया, फोर्स पी लगाया आपने दोनों तरफ से। जब लोड पी लगाओगे दोनों तरफ से तो क्या होगा, ये बॉडी जो है आपकी एलोंगेट करेगी, एलोंगेट करेगी तो ये लेंथ तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन लेटरल जो ये वाली लेंथ होगी ये कम होगी, उसका डायमीटर कम होगा। ठीक है, ये जो है विथ उसकी कम होगी तो ये घटेगी आपकी, तो क्या हो जाएगा इस तरफ इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा उसको हम लोग कहेंगे लेटरल स्ट्रेन, और यहाँ पर जो लेंथ इसकी इंक्रीज हो रही है उसको हम लोग कहेंगे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन ये हो जाता है हमारा पॉइजन्स रेशो, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन ये हो जाएगा हमारा पॉइजन्स रेशो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इन इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रेफर्स टू। अब आपको बताना है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देखिए जैसे कि ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ठीक है, तो ये होता है आपका जो मैक्सिमम पॉइंट, ये जो होता है ये, ठीक है, तो इसी चीज़ को तो हम लोग कहते थे, ये क्या होता है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, लोअर यूनिट पॉइंट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये होता है फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये क्या होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं इसको, इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे स्ट्रेस आता है इसको हम लोग कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये क्या होता है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जो कि बॉडी विदस्टैंड कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है विदाउट डिफॉर्मेशन, विदाउट फेल्यूअर, विदाउट ब्रेकिंग या विदाउट फेल्यूअर, जो मैक्सिमम स्ट्रेस बॉडी टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी का डिफॉर्मेशन तो यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि बॉडी जो है मैक्सिमम स्ट्रेस जिसको वो टॉलरेट कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग या विदाउट फेल्यूअर। ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे विदाउट ब्रेकिंग, तो वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि बॉडी टॉलरेट कर सकता है, विदस्टैंड कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग या फेल्योर, उसको हम लोग कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्या होता है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। ये तो देख रहे हो आप, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, इसके बाद तो मैक्सिमम पूरे स्ट्रेस थोड़ी जा रहा है, यही मैक्सिमम स्ट्रेस है, उसके बाद तो फिर स्ट्रेस घट रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है मैक्सिमम स्ट्रेस इन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, उसी को हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डैश मटेरियल रेजिस्ट फॉर कटिंग स्क्रैचिंग मशीनिंग इंडेंटेशन एंड एब्रेजन। आपको बताना है किस प्रॉपर्टी की वजह से मटेरियल जो है इन सारी चीज़ों को रेजिस्ट करता है, किन चीज़ों को, आपका इंडेंटेशन को, इंडेंटेशन, स्क्रैचिंग, आपकी एब्रेजन, स्क्रैचिंग, एब्रेजन, कटिंग, मशीनिंग, तो ये किस प्रॉपर्टी की वजह से इन चीज़ों को रेजिस्ट करता है, ये रेजिस्ट करता है हार्डनेस की वजह से। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन दिया हुआ टफनेस, हार्डनेस, फटीग एंड डक्टिलिटी, तो उसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, हार्डनेस। हार्डनेस की प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी मटेरियल जो है इंडेंटेशन को, कि उस पर कोई डेंट ना पड़े, स्क्रैचिंग को और एब्रेजन को, कटिंग को, मशीनिंग को रेजिस्ट करता है। तो जितना ज़्यादा हार्ड होगा वो उतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि डैश आर द टू ब्रिटल मटेरियल्स, डैश आर द टू ब्रिटल मटेरियल्स, डैश एंड डैश। ठीक है, आपको बताना था कि इसमें से कौन कौन से ब्रिटल मटेरियल्स, ऑप्शन वन दिया हुआ था ग्लास एंड माइल्ड स्टील, ग्लास एंड स्टोन, स्टोन एंड माइल्ड स्टील, कॉपर एंड एल्युमिनियम। तो आपको मालूम है कि माइल्ड स्टील तो आपका ब्रिटल मटेरियल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से एल्युमिनियम एंड कॉपर भी नहीं है, तो ऑप्शन डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑप्शन सी भी कट जाएगा क्योंकि उसमें माइल्ड स्टील दिया हुआ है, ए भी कट जाएगा क्योंकि उसमें भी माइल्ड स्टील दिया हुआ है। तो ग्लास एंड स्टोन ये दोनों क्या होते हैं, ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं, ग्लास एंड स्टोन। अब ब्रिटल मटेरियल कौन से होते हैं, ब्रिटल मटेरियल्स वो होते हैं जो कि ब्रेक कर जाते हैं, पीसीस में टूट जाते हैं, जिसको आप ड्रॉप करोगे या उसको हैमर करोगे तो पीसीस में ब्रेक कर जाएंगे, तो ब्रिटल मटेरियल्स हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग, ब्रेक ना होने की वजह से, विदाउट ब्रेक हुए हुए जब उसमें डिफॉर्मेशन होता है तो ये किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ था आपका प्लास्टिसिटी, हार्डनेस, टफनेस एंड फटीग, तो ये होता है प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी की वजह से, कि मटेरियल डिफॉर्म तो कर रहा है लेकिन उसमें कोई फेल्यूर नहीं हो रहा है, वो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। टफनेस तो मैं आपको बता चुका हूँ, टफनेस भी नहीं होगा क्योंकि ये तो एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक फ्रैक्चर पॉइंट होता है। हार्डनेस भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए प्लास्टिसिटी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, हुक्स लॉ किस पॉइंट तक फॉलो करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये हो जाता है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, ये हो जाता है आपका इलास्टिक लिमिट, लोअर यील्ड पॉइंट फ्रैक्चर, ये मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाता है, या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये हो जाता है आपका फ्रैक्चर पॉइंट। तो हुक्स लॉ यहाँ तक ही फॉलो होता है, बस प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये होता है इलास्टिक पॉइंट। लेकिन इलास्टिक पॉइंट तक हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है, क्योंकि मटेरियल जो है इलास्टिक पॉइंट तक इलास्टिक तो रहता है, ठीक है, लेकिन वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है मतलब हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस स्ट्रेन में जो है लीनियर रिलेशनशिप होता है, तो लीनियर रिलेशन नहीं होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बाद। हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कब, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बाद, लीनियर रिलेशन नहीं होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में। तो ये जो हुक्स लॉ जो है वो कहाँ तक ओबी करता है, कहाँ तक फॉलो होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने जो है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किए, कुछ हमने मल्टीपल क्वेश्चंस को डिस्कस किए जो कि बेसिक क्वेश्चंस थे, जो आपके आने वाले ऑनलाइन एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा बाकी भी यूनिट्स के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँ, यूनिट 2-3 के, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाए, ऑनलाइन एग्जाम की आपकी तैयारी हो जाए। तो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। थैंक यू।